नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी सुपारी बनाना। जैसे हम मार्केट से मीठी सुपारी लेके आते हैं, बिल्कुल वैसी सुपारी आप घर पे कैसे बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसे एंड तक देखिएगा तो आप बिल्कुल मार्केट जैसी सुपारी बना पाओगे। दोस्तों सुपारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो साबुत वाली सुपारी आती है वो लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसके 4 से 5 टुकड़े करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि हम पैकेट्स में लेके आते हैं तो वो टुकड़ों में कटी हुई होती है। तो इस तरह का ये एक जो सुपारी कटर आता है, इसकी मदद से हम सुपारी को तोड़ सकते हैं। मैं आपको एक सुपारी तोड़कर बताती हूँ कैसे तोड़ना है। तो इस तरह से सुपारी को इसके बीच में डालेंगे और अपने हाथों से जोर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत आसानी से सुपारी टूट जाती है। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें उतने छोटे छोटे पीसेस आप इसके कर सकते हो या थोड़े बड़े भी रख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से सारी सुपारियों को तोड़कर हम तैयार कर लेंगे। लगभग इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सारी सुपारियां तोड़ने में, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको तोड़ना, बहुत अच्छे से शेप में कटिंग होती है। तो इसी तरह से सारी सुपारियां तोड़कर तैयार करेंगे। ये देखिए सारी सुपारियों को तोड़ के मैंने तैयार कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं बिल्कुल डॉलर जो बाज़ार की जो मीठी सुपारी आती है बिल्कुल वैसी सुपारी बनाने के प्रोसेस में। देखिए सुपारी को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबलस्पून शेक क्रीम। ये होती है जो सुपारी में नॉर्मली दोस्तों शुगर नहीं डाला जाता है, क्योंकि शुगर डालने से सुपारी में पानी पानी हो जाता है। तो ये एक शेक क्रीम आती है जो कि मीठी होती है, मार्केट में आपको किसी भी किराने की दुकान पे ये शेक क्रीम मिल जाएगी। तो 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे मैंने 15 से 20 सुपारियों को तोड़ा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं 2 चम्मच शेक क्रीम डाल रही हूँ। वेल, 1 चम्मच से भी बहुत अच्छे से हो जाती है, बट मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है शेक क्रीम। दोस्तों शेक क्रीम के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 से भी थोड़ा पिंपल मट का पाउडर। ये पिंपल मट जो होती है वो आपको किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर आपके वहाँ पे शायद इसको पीपल के फूल भी बोला जाता होगा। तो पीपल के फूल मिलते हैं, जिनका मैंने पीस के इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। तो ये लिया है मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम, और साथ में लिया है ये ग्लिसरीन। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो शेक क्रीम और ये जो पिंपल के फूल का जो पाउडर है वो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है सुपारियों के ऊपर, जैसे ही शेक क्रीम और जो पिंपल का फूल जो डाल देते हैं हम लोग, तो इस तरह से ये वाइट वाइट दिखने लग जाती है। तो दोस्तों अब हम इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 चम्मच ग्लिसरीन, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की मदद से। देख सकते हो सुपारी बनके बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने दोस्तों, ये बिल्कुल चिकनी चिकनी, बिल्कुल मार्केट जैसी मीठी मीठी सुपारी बनके बिल्कुल रेडी है। कितना आसान है इनको बनाना, और ना ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत आसानी से हम सुपारी घर पे तैयार कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती है जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो, हमारे गले को हार्म हो। तो गाइज आप भी ये सुपारी ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। ये सुपारी खाने के बाद आप बाहर की सुपारी को भूल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मैं आऊँगी फिर से आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।